हेलो दोस्तों, दिस इज़ विवेक एंड यू आर वॉचिंग स्पेक्ट्रम। और अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़र हैं तो आपको पता ही होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक मैसेज चल रहा है कि नए नोटों पर एक NGC चिप लगी हुई है, यानी नैनो GPS चिप लगी हुई है, जिससे अगर आप कहीं पे भी बहुत सारे नोट छुपा कर रख देते हैं तो गवर्नमेंट पता कर लेती है कि उन नोटों की पोजीशन कहाँ पर है इस समय, यानी वो नोट कहाँ पर है। और उसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर आप नोटों को 120 मीटर ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं तो भी गवर्नमेंट पता लगा लेगी कि कहाँ वह नोट कहाँ पर है। और साथ में यह भी फैल रहा है कि उसमें नोट पर एक कैमरा लगा हुआ है, एक स्क्रीन लगी हुई है, और अगर आपने कोई भी करप्शन करने की कोशिश की तो गांधी जी बाहर निकल कर मारेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो मजाक की बात हो गई, अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि क्या यह पॉसिबल है कि नोट्स में चिप लग सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह रहा वो मैसेज जिस मैसेज के बारे में बात कर रहा था। ये देखिए, इस मैसेज में लिखा हुआ है कि द न्यू नोट्स वुड कम विथ व्हाट इज वेरियसली डिस्क्राइब एज अ माइक्रो नैनो GPS चिप विच इज सपोज टू बी एबल टू हेल्प ट्रैक इंडिविजुअल नोट्स बाय वे ऑफ सैटेलाइट। इसमें यह कह रहा है कि अगर आप नोट को कहीं पर भी छुपा तो इसमें एक माइक्रो नैनो चिप लगी हुई है, जिससे अगर आप नोट को कहीं पर भी छुपा देते हैं तो आप गवर्नमेंट सैटेलाइट की मदद से नोट को ट्रैक कर सकती है। और आप ये देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखी हुई है, द चिप हैज़ बीन फिटेड इन सच अ वे दैट इट कैन डिटेक्ट ₹2000 नोट्स इवन फ्रॉम द 120 मीटर बिलो द ग्राउंड। और इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि नोट को ₹2000 के नोट को अगर 120 मीटर ज़मीन के नीचे गाड़ भी दिया जाए, यानी तो इस चिप की मदद से गवर्नमेंट पता लगा सकती है कि वह नोट कहाँ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि नोट में GPS चिप लगाना पॉसिबल है या नहीं। तो जैसा कि मैंने रिसर्च किया है ऑनलाइन, मैंने देखा है कि नोट में GPS चिप लगाना पॉसिबल है, लेकिन उसमें यह भी पता चला है कि अगर GPS चिप लग जाए तो उसे पावर कहाँ से मिलेगी। आप देख सकते हैं कि मोबाइल में GPS चिप लगी रहती है, जिससे आप ओला कैब्स का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और इससे पता चलता, आपकी लोकेशन पता चल जाती है, लेकिन उसे पावर तो बैटरी से मिलती है। इसी प्रकार अगर आपको नोट में भी चिप लगानी हो तो उसे आप पावर कहाँ से देंगे, नोट को तो चार्ज भी नहीं कर सकते। और जैसा कि RBI ने अपने नोट के बारे में बताया, उन्होंने अपने 7 पॉइंट्स जो दिए उसमें कहीं भी इस चिप के बारे में कुछ भी नहीं दिया है RBI ने, यानी। और वेडनेसडे को मीटिंग में भी उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक र्यूमर था, ऐसी कोई उसमें चिप नहीं लगी हुई है जिससे आप उसे कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि 120 मीटर अगर आप उसे दफना भी दिया जाए नोट को, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, यानी अगर कोई और होशियार आदमी और वह उसे और 150 मीटर पर भी दफना दे, यानी 150 मीटर्स पर ज़मीन के नीचे रख दे, तो फिर आप कैसे ट्रैक करेंगे उसे। दोस्तों, ये तो हो गए 3-4 पॉइंट जो साबित कर देता है कि यह एक सिर्फ एक र्यूमर था, यानी यह पॉसिबल नहीं है। एक और बात बता देता हूँ कि आप जब भी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि उनके पास एक मशीन होती है जिससे वो प्राइस टैग पर स्कैन करके पता लगा लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है, तो उसकी रेंज उतने ही पास की रहती है। ये आप देख सकते हैं कि वो कितने पास से स्कैन करते हैं। और अगर आप बिना पैसे दें शॉपिंग मॉल के बाहर आएँ तो वो जो है मशीन साउंड करने लगती है। और आप अगर आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्नल होते हैं ये बहुत ही पास के लिए होते हैं। चिप अगर सैटेलाइट को सिग्नल भेज भी रही है तो सोचिए कि वो सिग्नल स्पेस तक जाते कितने वीक हो जाएंगे। सोचिए, वो सिग्नल बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे। तो इस तरह मैं आपको बता देता हूँ कि यह सिर्फ एक र्यूमर था, और फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो ये काफ़ी चलते रहते हैं र्यूमर, आपने बहुत भी सुने हुए होंगे। और आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा कि नोट में चिप लगी हुई है। मैं अब आपको नोट दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2000 रुपीस का नोट और ये 500 रुपीस का नोट,
इस 2000 रुपीज़ के नोट में ये देखिए, एक यहाँ पे एक ग्रीन कलर की पट्टी लगी हुई है, और अगर आप इसे मोड़ कर देखें तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसी 500 रुपीज़ के नोट में एक पट्टी टाइप की कुछ लगी हुई है, और इसे भी आप अगर चेंज करके देखें, यानी नोट को थोड़ा टेढ़ा करके देखें, तो यह भी अपना कलर चेंज कर लेती है। ये देखिए हमारा जो 2000 रुपये का नोट, और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक एक अंतरिक्ष यान की फ़ोटो बनी हुई है, जो हमने मंगलयान किया था उसी की फ़ोटो है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान की भी, ये देखिए एक चश्मा बना हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान की एक तस्वीर बनी हुई है, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आज अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल हैव अ नाइस डे।